स्वागत है आपको वॉइस ऑफ एमपी में, मैं आपके साथ सिमरन। चलिए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। बांग्लादेशी आतंकियों का नया टारगेट एमपी, युवा का ब्रेनवॉश कर रहे थे भोपाल में गिरफ्तार आतंकी, जेएमबी की स्लीपर सेल को बढ़ाना था मकसद। नर्मदापुरम के बनखेड़ी में बड़ा हादसा, ट्रैक्टर ट्रोली में घुसी कार, जीजा साले की मौत, वॉलीबॉल मैच देखने जा रहे थे, एक युवक गंभीर घायल, अज्ञात ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज। जबलपुर पुलिस ने शातिर दंपति को दबोचा, पत्नी को करना था वसार, पति बन गया चोर, लाखों के जेवर जब्त, रिमांड पर लिया गया पति। दतिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता, रेत का अवैध परिवहन कर रहे ट्रैक्टर को पुलिस ने पकड़ा, एक आरोपी गिरफ्तार। रायसेन में सड़क हादसा, खेत पर मजदूरी कर रहा युवक पीने का पानी लेने गया, पीछे से आ रहे डंपर ने मारी टक्कर, मौके पर मौत, डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज। सीहोर में पकड़ाया गांजा तस्कर, बाइक पर गांजा की तस्करी कर रहे युवक को पुलिस ने धर दबोचा, 3.5 किलो गांजा और बाइक जब्त। देवास में स्कूल की मनमानी, स्कूल फीस की वसूली के लिए स्कूल संचालक बच्चों को करते हैं परेशान, परिजन बोले बच्चों को क्लास और ग्राउंड में रखते हैं खड़ा। बुरहानपुर के नेपाल नगर में ज्वेलर्स की दुकान पर लाखों की चोरी, शटर के कुंडे उछलाकर अंदर घुसे बदमाश, सीसीटीवी कैमरे भी तोड़े, पुलिस कर रही है मामले की जांच। तो ये थी मध्य प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें, लगातार हर छोटी से बड़ी अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ, वॉइस ऑफ एमपी पर शुक्रिया।